एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एटीट्यूड फैमिली। और अभी मैं इसलिए तेज नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बाबूजी अभी फिलहाल सो रही है। ठंड का मौसम है आज, क्योंकि आज मुझे लग रही है ठंड पूरे दिन। बाबू कैसा लग रहा था, सच्ची बताना? अच्छा लगा। कैसा अच्छा लगा? अच्छा लगा, ठंडा था मौसम है ना, कूलर जैसी हवा आ रही थी ना। यस, इसीलिए मेरी बाबू आज दो बार सो रही है। देखो मैं दिखाऊँ, ये हमेशा अक्सर आदत है इसका ऐसे सोने की, ऐसे सोती है ये ऐसे। मुझे नहीं पता गई साँच वो ठंडे मुझा रहा है। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, मैं आपको आवाज़ सुना सकती हूँ। आप देख सकते हैं, शाम हो गई पूरी। और क्या करेंगे हम आज की, आधे ज़्यादा लड़कियों की टेंशन होती है, लड़कियों की टेंशन होती है, आधे ज़्यादा औरत की क्या टेंशन होती है कुछ पता है? मुझे पता है, जल्दी बताओ आधे ज़्यादा औरतों की क्या टेंशन होती है खाने में? क्या पूछते हैं वो ज़्यादातर? सब्जी। क्या कैसे पूछते हैं? क्या बना दें? अरे बनाना है तो बना के खिला दो। ये कह रहे हैं क्या बना दूँ, बनाना है तो बना दे। मैं अक्सर इनसे ये पूछती रहती हूँ कि बाबू क्या बनेगा खाने में, क्या बनेगा खाने में, ये हमेशा एक टाला। अगर मैं इनसे 3 बजे पूछती हूँ, जवाब आता है मेरे पास 5-5:30 बजे के आसपास, क्योंकि आज ठंड है। तो आज मैं सोच रही हूँ क्या, आज मैं सोचू क्या स्पेशल बनाऊँ, क्योंकि आज मैं नींद से आ रही है और ठंड के चक्कर में ना ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा। मज़ा आ रहा है लेकिन सच्ची मुझी पहले देखती हूँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं फिर से दोबारा से अपनी मियाँ से पूछना चाहूँगी, बाबू खाने में क्या बनेगा? मेरी टांग बना ले। मेरे मियाँ कह रहे मेरा टांग बना ले। नहीं मैं मैं पकाती हूँ, ऐसे कैसे हो गया ये सब? अरे बनाना बना के खिला। और तुम खा क्या रहे हो? ये दही खा रहा। ये दही खा रहे हैं, मैं बताती कैसे। कल रात में 10 वाला ये दूध लेकर आए थे, क्योंकि इन्होंने दूध वाला नहीं होगा तो वो फट गया, सुबह उसके हम चाय बना नहीं सकते थे, तो इन्होंने चीनी डाल के और सुबह ना दही हट्टी सी खट्टा, मतलब दही जैसी हो गई है, तो उसमें चीनी वगैरह डाल के और खाए रहे। मुझे पूछा भी नहीं अभी तक एक बार भी। अच्छा बोलते हैं मुझे खाने के लिए नहीं, तो हमेशा एक बार अरे मेरा बेटा आजा सीधा ये इरेक्शन अच्छा तक ऐसे नहीं आजा ऐसे है ना दादा। पहले देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मुझे नहीं मालूम। सोचते हैं चलो, क्या मुझे नहीं पता, चलो पहले चलते हैं देखते हैं। क्या आ गई हूँ अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। अब पता नहीं दुकान खुली भी है कि नहीं मार्केट। जैसा कि आपने देखा मैं आपसे बात कर रही थी और लाइट चली गई, लाइट। अब मैं क्या करूँ, मेरी जैसे मैंने आपसे बोला ना, ओ माय गॉड, तुरंत मेरे ऐसी मेरी बाबू जी की थोड़ा सा दो मिनट फाइनली मैंने सोच लिया है खाने में, ऐसा बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ ऐसे ऐसे करके। सो फाइनली आप देख सकते हो मेरी बाबू जो है उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग छोना, गुड मॉर्निंग बोलो तो जो छूते उठी छोना, गुड मॉर्निंग मेरे छोना चाहिए तो वाले जी तीछली बाल दूध मॉर्निंग दो दिए, तीछली बाल दूध मॉर्निंग छोना। मैं आपको दिखाऊं, ये बाबू जो है मेरी खेलते खेलते लेके सोई थी और खेलते खेलते ही जस्ट अभी उठी है, 2 सेकंड नहीं लगा इसको उठाने में सिर्फ मेरी एक आवाज़ की वजह से। सो गाइस फाइनली बहुत इतने मुदत सॉरी सोचते सो फाइनली मेरे मियाँ ने बता दिया है और मैंने सोच लिया है क्या बनेगा। अक्सर आदमी बता देते हैं, हमेशा औरतें ऐसी होती हैं, आदि ज़्यादा मैं खुद ऐसी हूँ, क्योंकि मियाँ बताते कुछ और हैं, मैं बना कुछ और देती हूँ, क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती जब ये बताते हैं। उसी सोचने के बाद याद आ गया मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। चलो चलते हैं किचन के अंदर। ये है 1 गिलास चावल देख सकते हो, 1/2 लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर, 2-3 आलू, उबले हुए मटर और हरी मिर्च और प्याज और कुछ, और ये रहा हमारा तड़के वाला जीरा। देख सकते हो गैस भी ऑलमोस्ट ऑन है, मैंने आंच तेज कर दी। तेल गरम हो गया क्या? हो गया। यस हो गया। अब इसमें जाएगा मेरे मियाँ ने जीरा,
जब तक ये काला होगा तब तक हम वेट करेंगे। जीरा, ओ वो प्याज आया, ये गया प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। ओह माय गॉड, अब ये सो कितने मिनट पकेगा? क्या पकना, टमाटर डालने हैं? जहाँ सारी इसमें जाएगा टमाटर, जाएंगे इसके अंदर टमाटर, डालो ये गए टमाटर। इसे हम पकाएंगे कम से कम कितने मिनट? ओनली फॉर 10 मिनट। सब भुन चुके हैं, अब इसके अंदर जाएगी मटर। ये गया मटर, चावल ले, चावल ओके। ये जाएगा मटर, इसे भी हम मतलब 1-2 मिनट पकाएंगे कि उबले हुए ना, ये ओनली फॉर हो चुके हैं। तुरंत ही इसके अंदर डाल देंगे आलू। ये गए आलू, यस। अब इसे हम घुमाएंगे 3-4 मिनट। देख सकते हैं आलू इसमें थोड़े बहुत पक से गए हल्के हल्के। अब डालेंगे इसके अंदर चावल, दिखा दो चावल डाल देंगे। ये गए चावल, अब देख सकते हो चावल इसके अंदर डाल चुके हैं। अब क्या करोगे, पानी डालोगे? पानी थोड़ा चलाओ पहले, पहले चला ले। हाँ ओके, पहले मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। ये हो गए मिक्स आपके, हो भी गए इतनी जल्दी? हाँ, तो कितना टाइम लगता है? अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। ये कटोरा मतलब इस साइज की 3 कटोरी, इस साइज की और डालेगा, और डालेगा भी। ओके, जा रहा है स्वाद अनुसार नमक, मतलब नमक चुटकी भर वाला। अब ये हो चुका है, मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से हम। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ढक के पकाएंगे ना। कितनी सीटी लगेगी जानू? 2 सीटी लगेगी इसमें। ऑलमोस्ट कुकर एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम कितनी सीटी लगाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 3 सीटी, क्योंकि आलू जो है अभी सही से पके नहीं थे, मैंने चेक कर लिए थे, इस वजह से इसमें लगेगी 3 सीटी। इसमें जा रही हूँ खाना खाने, आप देख सकते हो। ये जो है सिंपल, ये है सिंपल मटर पुलाव, आप देख सकते हो। और इसको हम ऐसे खाएंगे, तुम्हें भी चाहिए? हमारी बाबू को देखो, अरे छोटा बेटा, लो अपा नहीं खाएगी। और ये है हमारा सलाद, इसको हम डालेंगे और इस तरीके से खाएंगे। हमारे साथ भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो, आ जाओ गाइस। बहुत अच्छे, मैं आपको खाने के बाद ही मिलूंगे, क्योंकि बाबू परेशान कर रही है खाना खाते समय। मैंने खाना पीना खा के आराम से मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए। सो गाइस, अब जो है आपने जैसा देखा वो जो था ना, हमने जो बनाया था वो सिंपल मटर पुलाव था। ये हमारे गांव में पुलाव ही बोला जाता है और कुछ नहीं, एक चावल नहीं, ये सिर्फ होता है मटर पुलाव, जो यूपी की साइड में बोला जाता है। मैंने हमेशा आपको अपने वीडियो में बताया होगा कि ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकती, फिर से सो गई वो, कच्ची नींद में उठी थी, अभी जस्ट सुला के आई मैं उसे खाना पीना खा के। और तो गाइस क्या करना है मेरे चैनल को, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो क्या करना, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो आज की जो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और जो नए सब्सक्राइब है, थैंक यू सो मच गाइस जो हमारे चैनल पे आए, और अच्छी बात है और मुझे अच्छा लगा देख के थोड़ा सा। और सो गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए, तब तक टाटा एंड बाय।